बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से कार जा टकराई, जिसमें चार कार में आग लग गई और कार सवार तीन लोगों की जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग चित्रकूट से दर्शन करके माधवगढ़ जा रहे थे। पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही अधिकारियों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया और कहा है अधिकारियों से कि जो भी मृतक के परिजन हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में कार टकराई है, जिसमें चार कार में आग लग गई, कार सवार तीन लोगों की जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग चित्रकूट से दर्शन करके माधवगढ़ जा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी है, साथ ही अधिकारियों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि यहां पर खड़ा जो ट्रक था उससे कार जा टकराई, जिसमें भी सड़क लग गई, तीन लोगों के जलकर मौत होने की खबर है और ये कार सवार लोग चित्रकूट से दर्शन करके माधवगढ़ जा रहे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी से जुड़ गए हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम, में ये हादसा कैसे हुआ, कितने लोग कार में सवार थे और कितने लोग थे? आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है जनपद से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की है, जहां पर ट्रक और एक कार में भीषण टक्कर हुई है और उसमें टक्कर इतनी जबरदस्त हुई है कि टक्कर लगते ही कार में आग लग गई और उस कार में बैठे तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक जो है वो चित्रकूट से दर्शन करके माधवगढ़ जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। ये करीब रात्रि 10 बजे की घटना बताई जा रही है। मृतकों के नाम है राकेश और जितेंद्र, ये दोनों दशहरी थाना माधवगढ़ जिला जालौन के निवासी थे, जबकि तीसरा व्यक्ति चमन दुबे प्रापर जालौन का निवासी बताया जा रहा है। ये पूरी घटना जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लगातार ये दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ है। कल भी एक हादसा हुआ था जिसमें दो लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये इतनी बड़ी घटना है जिसका संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद लिया है और उन्होंने इस सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है, साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। जी दीपक जी, इस एक कार इस जो थी वो टकराई या अन्य कारें भी इस ट्रक से टकराई? जी जी, आपको बता दूं कि चूंकि रात्रि में घना कोहरा था, कोहरे की वजह से एक कार है वो ट्रक में टकरा गई है। ठीक है, ये जो इसमें सवार लोग थे वो आपस में दोस्त थे या एक ही परिवार से थे? सर, तीनों दोस्त थे और ये तीनों चित्रकूट गए थे, चित्रकूट दर्शन करने गए थे और दर्शन करके वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी एक्सप्रेस वे में ये घटना घटित हुई। जी सर, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सद्दाम हुसैन, इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। जिस तरह से जो जानकारी दी गई है सहयोगी द्वारा कि इस कार के टकराने के बाद इसमें आग लग गई, तीन लोग जलकर उनकी मौत हो गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है।